डिप्रेशन में कौन सा केमिकल लोचा होता है, इसके बारे में मैं जानकारी देने वाला हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुख्यतज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में मुंबई, पुणे, अकोला यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। हमारा हरदम ये प्रयास रहा है कि जो भी मानसिक रुग्ण है उनको रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करो, इलाज करो। जो रिश्तेदार रह नहीं सकते हैं, जो क्रॉनिक पेशेंट है, गांजा ड्रग एडिक्ट्स है, शराब के एडिक्ट है या बहुत ही वायलेंट है, उनको अकेले भर्ती करो और उनका इलाज करो। और वो हमारा विजन है कि भाई मेंटल हेल्थ फॉर एवरीवन एंड एडिक्शन फ्री इंडिया, हर एक को मानसिक स्वास्थ्य व्यसन मुक्त भारत। और उसके अंतर्गत मैं आपके सामने बता रहा हूँ भी कि डिप्रेशन होता क्यों है। देखो, 5 में से 1 व्यक्ति को डिप्रेशन होने वाला है उसकी ज़िंदगी में कभी ना कभी। डिप्रेशन में 2 प्रमुख प्रकार के डिप्रेशन होते हैं। एक है न्यूरोटिक डिप्रेशन, मतलब वातावरण में कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है जिसको ये व्यक्ति कोप अप नहीं कर सकता है। वातावरण में फेलियर हुआ है, लॉस हुआ है, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स है, कुछ ना एक्सीडेंट हो गया है, ट्रॉमा हुआ है, तो उसकी वजह से डिप्रेशन आया हुआ है। और दूसरा है एंडोजेनस डिप्रेशन, की जो वातावरण में कुछ भी नहीं, अचानक ये चालू हो गया, थोड़ा कुछ ट्रिगर हो गया थोड़ा सा और ये डिप्रेशन चालू हो गया। और डिप्रेशन धीरे 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 बढ़ता जा रहा है। और डिप्रेशन में ज़्यादातर उनको ये दिखाई देता है कि भाई लॉस ऑफ इंटरेस्ट है, बिल्कुल इच्छा नहीं कुछ काम करने में, मूड एकदम ही डाउन रहता है, नर्वसनेस, सैडनेस, बहुत दुखी, रोना आता है, क्राइंग स्पेल्स बिना कुछ वजह। उनको लगता है कि अभी कुछ पड़ा नहीं है लाइफ में, अभी तो सब लाइफ बर्बाद हो गया, अभी कुछ उसको दिखता ही नहीं, सब लाइफ में अंधकार दिखता है, निराशा दिखती है, ऐसा लगता है कोई मुझे हेल्प नहीं करेगा, नींद नहीं आती, भूख लगती नहीं है और एक्टिविटी जो है ना वो कम हो जाती है, ताकत रहती नहीं है, ऐसा लगता है कि बहुत थकान आ गई, जूस निकल गए ऐसा लगता है, और मन उदास हो जाता है, बहुत डिप्रेस्ड हो जाता है, फिर नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच आते रहते हैं। अभी ये जो एंडोजेनस डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं कि भाई बाहर से कुछ भी नहीं है और अंदर नहीं चालू हो गया, इसको एक कारण जेनेटिक हो सकता है कि भाई माँ बाप में से किसी ना किसी को डिप्रेशन पहले आया हुआ है और उनकी वजह से आ रहा है। स्ट्रेस से भी हो सकता है कि थोड़ा स्ट्रेस हो गया और एंडोजेनस डिप्रेशन आ गया। तो कारण कुछ भी हो, मगर एक तो केमिकल लोचा ब्रेन में होता है जिसकी वजह से डिप्रेशन होता है। इसमें एक तो एंडोर्फिन्स कि जिनको CNS में, ये पेप्टाइड्स है, एक तरह के केमिकल्स है जिनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है, नंबर एक। नंबर दो, उसमें डोपामिन है, ये केमिकल है कि जिसका लेवल लो हो जाता है। फिर सेरोटोनिन है, नॉरएपिनेफ्रिन है, ये पक्के मालूम हो गए, मतलब ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स यदि कम हो गए ब्रेन में तो डिप्रेशन आता है। क्योंकि ये जो हार्मोन्स है, ये हार्मोन्स मूड एलिवेट करते हैं, हाई करते हैं, मूड एलिवेट करना है, अच्छा लगता है उसको, फील गुड हार्मोन बोलते हैं इनको। और ये हार्मोन यदि आपको अच्छे, मतलब बढ़ाने का है, तो डार्क चॉकलेट खाना, एक्सरसाइज करना, नॉर्मली इसमें भी बढ़ाने का है तो सेक्स करने के बाद में बढ़ते हैं ये, म्यूजिक सुनना, लाफ्टर क्लब है, मेडिटेशन, सेल्फ हिप्नोसिस, ऐसे अलग अलग प्रकार है कि जिसके वजह से ये बढ़ते हैं। मगर ये डिप्रेशन है और ये बाकी चीज़ें तो करना ही पड़ेगा, मगर डिप्रेशन है और उसको वो इम्बैलेंस ठीक करना है केमिकल लोचा, तो आपको एंटी डिप्रेशन लेने ही पड़ेगी। एंटी डिप्रेशन लेने से कुछ होगा नहीं, जो एंटी डिप्रेशंस, ये जो मैंने बताया हॉर्मोन्स, केमिकल सब्सटेंसेस, उनकी लेवल बढ़ाएंगे, तो वो लेवल बढ़ाने के लिए आपको ये करना ही पड़ेगा, दवाई लेनी ही पड़ेगी। और वो दवाई में एंटी डिप्रेशंस है और वो लेते हैं आप तो डेफिनेटली आपको फायदा होता है। एंटी डिप्रेशंस चालू करने के बाद में नींद अच्छी हो जाती है एक तो, और नींद अच्छी हो गई उससे अच्छा लगता है, और डिप्रेशन जो है वो एक 14 से 21 दिन में ठीक होना चालू हो जाता है। 21 दिन के बाद में बहुत ही अच्छा लगता है व्यक्ति को और उसको लगता है कि अपना डिप्रेशन निकल गया। ये एकदम क्लासिकल है कि भाई केमिकल लो, चाहे आप दवा ले रहे हैं, एकदम अच्छा लगने लगा उसको, नींद अच्छी हो गई, फिट एंड फाइन हो गया। तो एक सबूत है कि डिप्रेशन केमिकल लोचे से भी होता है, केमिकल इम्बैलेंस से भी होता है, क्योंकि आप दवाई देते हो और वो ठीक हो जाता है। तो आपने जितना, मतलब एंडोजेनस डिप्रेशन है, जितने जल्दी दवाई चालू कर दे उतना अच्छा है। जल्दी से जल्दी अपने साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करो, दवाई चालू करो, आपको जल्दी आराम मिलेगा और आपका लाइफ जो है ना वो एंजॉयबल रहेगा। क्योंकि डिप्रेशन में ना मज़ा नहीं आता, सुसाइड के थॉट आते हैं, कभी कभी सुसाइड भी कर लेता व्यक्ति। वीडियो आपको अच्छा लगा तो जो लोगों को शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। गूगल स्टोर से आप डॉक्टर केळकर ये नाम का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और ये ऐप में आप फ्री चैटिंग कर सकते हैं, अलग अलग ऑनलाइन कोर्सेस है वो डाउनलोड कर सकते हैं
और बहुत ज़्यादा अपने खुद के लिए फ़ायदा उठा सकते हैं। थैंक यू।